गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संतू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीए में जो आपका सब्जेक्ट है पर्यावरण, जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट पर्यावरण, तो पर्यावरण में अपना जो टॉपिक था कल था जब सामाजिक मुद्दे, तो मैंने सामाजिक मुद्दों के बारे में आपको करवाया था। उसके बाद आगे मैं आपको सामाजिक मुद्दे, वही टॉपिक अपना चल रहा है, उसमें अगला अपना जो है टॉपिक है उसमें है कि लोगों का जो है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास, की लोगों को पुनर्स्थापन यानी कि अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे क्यों जाना पड़ता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी आपको कि इसे पुनर्स्थापन या पुनर्वास भी कहते हैं। इसे पुनर्स्थापन या पुनर्वास कहते हैं कि लोगों को अपनी जगह छोड़ के क्यों जाना पड़ता है। जब भी बड़े बड़े बांध बनते हैं तो लोगों को क्या करना पड़ता है, पुनर्वास की समस्या सबसे पहले उनके सामने आती है कि जब भी बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, यानी कि जो लोग जिस निवास जगह पर निवास करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, तो उनको क्या होता है, वहाँ से उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। उसका ये कारण होता है कि वहाँ पे बांध बनाई जा रही है इसलिए, और बांधों के जल भराव जो हुआ है में पड़ने वाली भूमि पर रहने वाले लोगों और जनजाति को क्या करना पड़ता है, विस्थापन करना पड़ता है। यानी कि जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं उन बांधों के आसपास अगर लोग रहते हैं तो किसी भी कारण वर्षण कोई भी किसी भी समय कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इस कारण उनको वो जगह छोड़ के जानी पड़ती है, तो उसे हम पुनर्स्थापन या पुनर्वास कहते हैं। हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में कुछ वर्षों में उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है यानी कि जो उत्तराखंड का टिहरी बांध है, कुछ वर्षों में टिहरी बांध का कस्बा वह 122 टिहरी कस्बा वह 122 वहाँ पे क्या हुआ है, कितने 122 गांव जुड़े थे, कितने 122 गांव जो उत्तराखंड का टिहरी बांध है वहाँ पे 122 गांव थे वो डूब गए थे, और लगभग 200 लाख लोगों को भी स्थापित करना पड़ा, पिछले 2 लाख लोगों को वहाँ से विस्थापन पुनर्वास या पुनर्स्थापन करना पड़ा, उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा। और इसके साथ ही नर्मदा घाटी पर भी जो लोग निवास, नर्मदा घाटी के दो बड़े बड़े बांधों के निर्माण में, यानी कि जो नर्मदा घाटी है उसके दो बड़े बड़े बांधों के निर्माण में, जो हमारे सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा सरोवर कौन से सरदार सरोवर बांध है, इस नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर व सागर, सरदार सरोवर व सागर जो हमारे नर्मदा सागर, कौन सा सरदार सरोवर व नर्मदा सागर जो ये हमारी नर्मदा घाटी है, उस नर्मदा घाटी से सरोवर बांध नर्मदा सागर बांध में क्रमशः 242 और 254 गांव डूबे थे, कितने इन दोनों से 245 और 254 गांव डूब गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण से उनको भी ये जगह छोड़ दिया जानी पड़ी, यहाँ से उनको भी स्थापन या पुनर्वास या पुनर्स्थापन करना पड़ा। इन विस्थापन जो मन के सामने जो विस्थापित जो पत्तियां आती हैं, तो इससे समस्याओं से पर्यावरण समस्याओं को लेकर श्री सुंदरलाल बहुगुणा, कौन से श्री सुंदरलाल
बहुगुणा श्री सुंदरलाल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा श्रीमती मेधा पाटेकर कौन है श्रीमती मेधा पाटकर पाटकर अन्य कार्यकर्ताओं ने लंबे समय तक आंदोलन किए जिनके कई मामले आज भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। इसमें श्री सुंदरलाल बहुगुणा और श्रीमती मेधा पाटकर हैं। इन्होंने जो ये समस्याएं आई थी इन समस्याओं पर क्या किया था, लंबे आंदोलन चलाए थे जिनका कि आज भी सुप्रीम कोर्ट तक लंबित है। ऐसे मामलों में करोड़ों रुपए खर्च होने पर भी लोगों का ठीक से पुनर्स्थापन या जमीन का उनको क्या हुआ, मुआवजा नहीं मिल पाया आदि बातें जनमानस के लिए हैं और संतोषजनक रूप नहीं है। वहाँ पे जो टिहरी में पर्वत के नए टिहरी नामक आधुनिक कस्बा बसा है, किंतु जनजातियों को उनके प्रिय प्रवास में भी स्थापित होना पड़ा और प्राकृतिक जीवन को छोड़कर कृत्रिम प्रवेश पर में बसना पड़ा। उनको वहाँ पे कृत्रिम जो उनका था उस प्रवेश में उनको बसना पड़ा और जो उनकी मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से वे दुखदायी होता है, यानी कि जो वो जिस एरिया में रह रहे हैं वो मानसिक दृष्टि से क्या होता है, दुखदायी होता है। अब मैं आपको जो पर्यावरण है, पर्यावरण के आगे में जलवायु परिवर्तन के बारे में वैश्विक तापवृद्धि, जलवायु जो हमारा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, हमारे जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है किन किन कारणों से हो रहा है, दिशा है इसमें टॉपिक जलवायु परिवर्तन किन कारणों से हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जलवायु परिवर्तन में देखो कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण का, जो हमारी वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर, जलवायु पर पड़ता है। इसे जलवायु परिवर्तन होता है और जो हमारा औद्योगिकीकरण है, औद्योगिकीकरण से उत्पन्न जो ग्रीन हाउस गैसों, यानी कि जो हमारी ग्रीन हाउस में जो गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन ट्रेटर, क्लोराइड आदि भारी मात्रा में इनका उत्पादन होता है, जिससे कि हमारे जलवायु में, हमारे क्लाइमेट में, हमारे मौसम में क्या होता है, क्लाइमेट में, हमारे मौसम में परिवर्तन होता है इन भारी गैसों के कारण। कौन कौन सी हमारी भारी गैसें हैं, जैसे कि हमारी जो भारी गैसें हैं इसमें देखो, उद्योगिकरण में उत्पन्न जो हमारी ग्रीन हाउस की गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, कार्बन ट्रेटा, क्लोराइड, भारी मात्रा में इनका क्या होता है, उत्पादन होता है जिससे कि हमारे क्लाइमेट, यानी कि हमारी जलवायु में, हमारे मौसम में परिवर्तन होता है इन गैसों के कारण। और साथ ही जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव में हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है और साथ ही जो हमारा पृथ्वी में वृद्धि हो रही है और इसके प्रभाव से जो हमारे पृथ्वी के अलग अलग भागों में, यानी अगर हमारे जो ग्रीन हाउस के प्रभाव से के कारण हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है अलग अलग भागों में, अलग अलग इसके प्रभाव जो है, पृथ्वी के प्रभाव जो हमारे अलग भागों में अलग अलग हैं किंतु सभी हानिकारक हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी, यानी कि जो इसके प्रभाव है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रभाव इसको देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसी स्थान पर जो समुद्र का तल है, समुद्र का तल जो ऊंचाई तल से ऊंचाई आकांक्षित समुद्र से दूरी तथा अन्य जो स्थानीय जो आकांक्षित समुद्र से दूरी तथा अन्य स्थानीय भौगोलिक कारकों से प्रभावित होती है और के साथ ही जो हमारी जलवायु है, जलवायु में आप अप्राकृतिक परिवर्तन, यानी कि जो हमारी जलवायु है उसमें अप्राकृतिक परिवर्तनों से, जैसे कि CO2 गैस की मात्रा में वृद्धि, कृषि उत्पादनों में 10 से 30% तक क्या है उसमें कमी आ
हो सकती है और जो हमारे वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और विषम के कई भागों में ग्रीष्म ऋतु की अवधि बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हमारा जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण जो हमारी पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है, पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण हमारी जो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान, अलग अलग स्थानों पर तापमान में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के कारण जो हमारी अप्राकृतिक जलवायु, जो कि अप्राकृतिक परिवर्तनों के कारण जो हमारी गैस CO2 है, CO2 गैस की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और वृद्धि कृषि उत्पादनों में 10-30% तक की कमी हो सकती है और वनों पर इसका क्या है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और विश्व के कई भागों में क्या है ग्रीष्म ऋतु की अवधि भी बढ़ती जा रही है और जो हमारी जलवायु परिवर्तन की घटनाएं भी जो हमारी जलवायु परिवर्तन की घटनाएं वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्या कर रही है प्रभावित कर रही है, इस पर उसका भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जो कि वनस्पति जीव है, यानी कि जो हमारी वनस्पति में जो हमारे जंगलों में जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति या जीव में भी कोई परिवर्तन नहीं सह पाएगा। यानी कि जो हमारे पारिस्थितिकी में जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उस परितंत्र पर अगर हमारे जलवायु में परिवर्तन होता है तो जल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे हमारे जीव जंतु वनस्पति है उस पर भी इसका क्या होगा विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जो हमारे परिवर्तन के कण यह सह नहीं पाएंगे और वो क्या होंगे समाप्त हो जाएंगे। इससे जो हमारी जैव विविधता है उसको भी खतरा पैदा हो रहा है और जो हमारा जल चक्र है वो भी इसके कारण, हमारी जलवायु परिवर्तन के कारण वो भी प्रभावित हो रहा है। इससे हमारा जो वैश्विक तापमान है, वैश्विक तापमान में वृद्धि से जो हमारी बर्फ है वो क्या हो रही है अधिक पिघलने से, जिससे कि समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है, बढ़ेगी और जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों में डूबने, जो हमारे समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं उनके डूबने, ढहने और जो खारेपन का अधिक खतरा होगा अगर जो हमारे जलवायु में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही हमारी वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होगी और वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण हमारे जो हिमालय पर्वत हैं वो पिघल रहे हैं और इनके पिघलने के कारण जो हमारा समुद्रों का तल है वो बढ़ेगा। अगर समुद्रों का तल बढ़ेगा, यानी कि समुद्रों का जो पानी है वो बढ़ेगा तो इससे क्या होगा वहाँ पे जो खारे पानी की मात्रा और जो उसके आसपास की जगह है वो क्या होंगे ढहने और खारेपन की डूबने, ढहने और उसके खारेपन की जो है आदि का खतरा बनेगा। इसके साथ ही जो हमारी जलवायु परिवर्तन अतिवृष्टि, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो इसके साथ ही जो हमारी अतिवृष्टि में तूफान और आकस्मिक घटनाएं में भी वृद्धि होती जा रही है जिसका प्रभाव मानव के आवास परिवहन, जिससे कि उसका प्रभाव मानव के आवास परिवहन और ऊर्जा स्रोत और साथ ही स्वास्थ्य पर भी पड़ता जा रहा है। इसमें जो हमारी एल नीनो, कौन सी एल नीनो, एल नीनो जो हमारी जलवायु संबंधी परिवर्तनों का प्रभाव है, एल नीनो जलवायु संबंधी परिवर्तनों का प्रभाव है जिसमें कि शीतोष्ण प्रशांत, यानी कि शीतोष्ण प्रशांत समुद्र क्षेत्र के वायुमंडल में हलचल होती है। शीतोष्ण प्रदेश है उसके क्या है समुद्र क्षेत्र में के वायुमंडल में क्या होती है हलचल हो रही है। उसके साथ ही सन 1997 और 98, यानी कि 1997 और 98 में होने वाले एल नीनो जो है कि एल नीनो से विश्व में लगभग 24,000 लोगों की क्या हो चुकी है मृत्यु हो चुकी है। विश्व में जो है कि 24,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इससे 24,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो हमारी एल नीनो की जलवायु संबंधी परिवर्तन जो एल नीनो है इससे विश्व में लगभग 24,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 340 लाख डॉलर की अमेरिकी डॉलर की इसकी क्षति हुई है और इसके साथ ही 2000 से 2001 का
ला नीनो की घटना, जिसमें कि जो हमारा प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों के तापमान में भी कमी आई है, जो कि 2002 से 2001 में ला नीनो, कौन सा ला नीनो, ला नीनो की घटना, जिसमें कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों में तापमान की कमी आई है, पूर्वी भागों के तापमान में कमी आई है। इसके साथ ही हमारा जो एल नीनो और ला नीनो की घटनाओं से भारत में भी मानसून प्रभावित हुआ। जो एल नीनो या ला नीनो है, इनके इन घटनाओं से जो भारत के मानसून भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही COP8 सम्मेलन, कौन सा COP8 सम्मेलन है, जो COP8 सम्मेलन जो नई दिल्ली में 23 अक्टूबर नई दिल्ली में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चला, जो कि हमारा COP8 सम्मेलन है, वो जो नई दिल्ली में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चला, जिसमें कि जो हमारी जलवायु परिवर्तन संबंधी इन पर क्या हुए चर्चाओं पर केंद्रित हुआ। जो हमारा COP8 सम्मेलन है वो नई दिल्ली में 28 अक्टूबर 1 नवंबर तक चला, जिसमें कि हमारे जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तनों पर केंद्रित था रहा। और अंत में यही सामने बात आई है कि विकसित देश हैं जो हमारे, अंत में यही बात सामने आई कि जो हमारे विकसित देश हैं, विकसित देश खासकर कौन से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि, वो क्या है, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में अग्रणी है, यानी कि जो वो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन कर रहे हैं, और अतः इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल मानकर इस संधि पर हस्ताक्षर, क्योटो प्रोटोकॉल संधि मानकर इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे 2012 तक ग्रीन हाउस की गैसों में कमी आ जाए। सम्मेलन में हमारे जो शामिल होते हैं एल नीनो या ला नीनो, इनके द्वारा जो है 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में यही बात ऊपर सामने है कि जो हमारे विकसित या विकासशील देश हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान, ये तीनों ही जो ग्रीन हाउस के गैसों के उत्सर्जन के अग्रणी हैं, और जो हमारी क्योटो प्रोटोकॉल मानकर इस संधि पर इनको क्या करना चाहिए, हस्ताक्षर करने चाहिए, जिसमें कि धीरे धीरे 2012 तक जो ये ग्रीन हाउस है उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए, इसका प्रस्ताव रखा गया। तो मैंने सामाजिक मुद्दों में आपको पहले पुनर्स्थापन पुनर्वास के बारे में बताया था। पुनर्स्थापन पुनर्वास होता है कि जिसमें कि लोगों को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। और उसके बाद मैंने आपको जलवायु परिवर्तन बताया था कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन है वो किस किस कारण से हो रहा है, किन किन कारणों से हो रहा है, और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इसके लिए कौन कौन से देश इसके
इसलिए उत्तरदायी है इसको बढ़ाने में। तो जो आज मैंने आपको सामाजिक मुद्दों में दो टॉपिक करवाए हैं, पुनर्स्थापन और जलवायु परिवर्तन, तो जो आगे बचे हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास आपकी यही खत्म।